सो हे गाइज, कैसे हो सभी? आई होप सब मेरे भाई मस्त होंगे। गाइज, आज की इस न्यू वीडियो के अंदर मैं आप सभी को रक्षाबंधन के ऊपर फोटो को एडिट करना सिखलाने वाला हूँ, जो कि अभी आप लोग दो फोटो के सैंपल को यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार का। अगर आप सभी चाहते हो केवल एक ही एप्लीकेशन से अपने फोटो को इस टाइप से एडिट करना सीखना, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट इतना ही करूंगा कि वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि मैंने इसमें आपको बैकग्राउंड एंड पीएनजी को डाउनलोड करने के साथ साथ फोटो कैसे एडिट करना है ये भी बतलाया हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट इतना ही है कि वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहिए। तो चले बिना देरी करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्ट। तो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर क्या करना है, अपने मोबाइल फोन में पिक्सार्ट एप्लीकेशन को यहाँ पर कुछ इस टाइप से ओपन करना पड़ेगा, और ऊपर में आपको एडिट ए फोटो वाले ऑप्शन पे टैप करके यहाँ पर आपको क्या करना है, बैकग्राउंड को ऐड करना है। सारा बैकग्राउंड एंड पीएनजी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, तो आप लिंक पर क्लिक करके इजिली यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद डायरेक्ट आपको यहां पर क्या करना है, नीचे की साइड में ऐड फोटो का एक टूल देखने को मिलता है, जो कि ये रहा ऐड फोटो के नाम से टूल। तो इसी वाले ऐड फोटो के ऑप्शन पर टैप करना है, और यहां पर आपको क्या करना है, रक्षाबंधन का हैंड पीएनजी मिल जाएगा, तो उस वाले पीएनजी को यहां पर ऐड करना है। तो अभी आपको यहां पर क्या करना है, इस वाले पीएनजी को ऐड करना है, और इसको कुछ इस टाइप से जूम वगैरह करके ऊपर की साइड यहाँ पर इसको लगाना है, और नीचे में ओपेसिटी के ऑप्शन पर टैप करके इसको आप लोग अपने हिसाब से हल्का सा यहाँ पर कम कर लेना है इस प्रकार से। एंड अब यहाँ पर इसको डन कर लेना। इसको डन करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, दोबारा से ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर टैप करना है, और दो गर्ल का पीएनजी दे दूंगा, तो आपको जो अच्छा लगता है यानी कि जो आपके फोटो में मैच करे आप लोग यहाँ पर लगा सकते हो। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस वाले गर्ल की पीएनजी को ऐड करता हूँ। हमने अभी क्या किया, इस वाले गर्ल की पीएनजी को ऐड कर लिया, और इसको कुछ इस टाइप से ऐड करने के बाद हम लोग जूम इन करेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे। इसको लगाने के बाद अब नीचे में प्लस का एक टूल देखने को मिलता है, तो इसी वाले प्लस के ऑप्शन पर टैप करना है। प्लस के ऑप्शन पे टैप करने के बाद दोबारा से आपको ऐड फोटो के ऑप्शन पे टैप करना है, और इस बार यहाँ पर क्या करना है, अपने फोटो को ऐड करना है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बॉय की फोटो को ऐड करके दिखलाता हूँ। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस वाले बॉय की फोटो को ऐड कर लिया है, जो कि आप लोग देख रहे हो। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको पहले जूम वगैरह करके इस वाले गर्ल के पीएनजी के जस्ट बगल में यहाँ पर एडजस्ट करना है इस प्रकार से। इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग लगा लेना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको इस तरह से लगाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लिया, जो कि आप लोग देख रहे हो। और अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम लोग डन कर लेते हैं। डन करने के बाद दोबारा से हम लोग ऐड फोटो के ऑप्शन पर टैप करके दो पीएनजी को हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं। तो मेरे भाई, मैंने यहाँ पर क्या किया, दो पीएनजी को ऐड किया, जो कि एक राखी का पीएनजी है और एक तिलक का पीएनजी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाले राखी के पीएनजी को साइड में करेंगे, और इस वाले तिलक के पीएनजी को हल्का सा हम लोग स्ट्रेच करके कुछ इस टाइप से इसको जूम आउट वगैरह करके हम लोग अपने फोटो में यानी कि अपने माथे में यहाँ पर कुछ इस टाइप से इसको एडजस्ट करते हैं। इसको एडजस्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, राखी के पीएनजी को लाना है इस प्रकार से, और इसको भी यहाँ पर क्या करना है, अपने हैंड में यहाँ पर एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर हैंड में यह घड़ी पहना हुआ है, तो मैं इसी के ऊपर इसको एडजस्ट करता हूँ। तो मैंने दोनों पीएनजी को यहाँ पर लगा दिया है, और अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम लोग डन कर लेते हैं। डन करने के बाद दोबारा से हम लोग ऐड फोटो के ऑप्शन पर टैप करेंगे, और फिर से एक पीएनजी को यहाँ पर ऐड करते हैं। तो इस बार यहाँ पर क्या करते हैं, इस वाले पीएनजी को ऐड करेंगे, और इसको जूम इन करके नीचे की साइड यहाँ पर लगाएंगे, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। और अब यहाँ पर क्या करते हैं, नीचे में प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। प्लस के ऑप्शन पर टैप करने के बाद दोबारा से ऐड फोटो के ऑप्शन पर टैप करके दोबारा से हम लोग एक पीएनजी को ऐड करते हैं। तो इस बार यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले पीएनजी को ऐड करेंगे, और इसको जूम इन करके ऊपर की साइड यहाँ पर लगा देंगे, और अब यहाँ पर इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद दोबारा से हम लोग ऐड फोटो के ऑप्शन पे टैप करके एक राखी की पीएनजी को हम लोग फिर से ऐड करते हैं। इस बार यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले राखी की पीएनजी को ऐड करेंगे, और इसको जूम इन करके इस प्रकार से यहाँ पर लगा देंगे। सारा पीएनजी ऑटोमेटिकली यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, जो कि आप लोग देख रहे हो लग रहा है। तो इसी प्रकार से करके यहाँ पर इसको डन करना है। और अब यहाँ पर क्या करना है, एक लास्ट पीएनजी बच गया है, जो कि हम लोग लाइट की पीएनजी ऐड करेंगे। तो ऐड फोटो के ऑप्शन पर टैप करके हम लोग एक लाइट की पीएनजी को ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस वाले लाइट के पीएनजी को ऐड किया, और इसको यहाँ पर क्या कहते हैं, अपने फोटो के जस्ट बगल में एडजस्ट करेंगे, और नीचे में ब्लेंड के ऑप्शन पर टैप करके इसको हम लोग स्क्रीन के ऊपर कर देंगे, और इसको यहाँ पर इस प्रकार से लगा के यहाँ पर इसको डन कर लेंगे। और यार, एक और पीएनजी बच गया, जो कि हम लोग हैप्पी रक्षाबंधन का टेक्स्ट पीएनजी ऐड करेंगे। तो इसके लिए ऐड फोटो के ऑप्शन पर टैप करके इस वाले टेक्स्ट के पीएनजी को हम लोग ऐड करते हैं।
तो मैंने इस वाले रक्षाबंधन टेक्स्ट की पीएनजी को ऐड किया है और इसको जूम इन करके यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे इस वाले हैंड के ऊपर लगा देंगे इस प्रकार से, और अब यहाँ पर इसको डन कर लेंगे। पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर जितना भी काम था सारा यहाँ पर फिनिश हो चुका है। अब हम क्या करेंगे वन क्लिक के अंदर कलर ग्रेडिंग करेंगे अपनी फोटो में। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं ऊपर में डाउनलोड वाले ऑप्शन पर टैप करके इस वाले फोटो को यहाँ पर गैलरी के अंदर सेव करेंगे। तो मेरे भाई फोटो यहाँ पर गैलरी के अंदर सेव हो चुका है जो कि आप लोग देख सकते हो। और अब आपको यहाँ पर क्या करना है अपने मोबाइल फ़ोन में लाइटरूम एप्लीकेशन को यहाँ पर कुछ इस टाइप से ओपन करना पड़ेगा, और लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर अपने फोटो को ऐड करने के साथ साथ आप लोग यहाँ पर क्या करना है इस वाले प्रीसेट को भी ऐड कर लेना। इस वाले प्रीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है प्रीसेट के ऊपर क्लिक करने के बाद ऊपर में थ्री डॉट के ऑप्शन पर टैप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको कॉपी सेटिंग के नाम से एक टूल देखने को मिलता है जो कि ये रहा। तो इसी वाले कॉपी सेटिंग के ऑप्शन पर टैप करके सारे टूल में यहाँ पर कुछ इस टाइप से इसको मार्क करना है, और यहाँ पर इसको डन करके अपने फोटो पर एक बार क्लिक करना है, और दोबारा से आपको थ्री डॉट के ऑप्शन पर टैप करके यहाँ पर आपको क्या करना है कॉपी सेटिंग के जस्ट नीचे पे सेटिंग के नाम से एक टूल आता है, तो इसी वाले पे सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। पे सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके फोटो में वन क्लिक के अंदर कलर ग्रेडिंग यहां पर हो जाएगा जो कि आप लोग बिफोर एंड आफ्टर यहां पर देख सकते हो। अगर आप लोग फेस को स्मूथ प्लस वाइट करना चाहते हो तो आप लोग स्नैपसीड नहीं तो स्केचबुक एप्लीकेशन का उपयोग कर लेना। और फोटो को सेव करने के लिए बस आपको यहाँ पर क्या करना है ऊपर में शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा और सेव टू कॉपी डिवाइस के ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो को सेव करना है।